कर्नाटका में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उन इलेक्शंस के लिए ये पार्टी बिल्कुल तैयार है। मैं ये इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इनकी जो तैयारी है वो काफी जोर शोर से चल रखी है। और हमारे साथ इस समय हैं ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी से डॉक्टर नौहेरा शेख। मैडम, क्या आपकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है? आपकी पार्टी का सिंबल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर है और ये पार्टी नेशनल पार्टी है और इसको सिंबल भी जो अलर्ट किया गया है और ये सिंबल डायमंड अलर्ट किया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही लकी और बहुत ही खुशी की बात है। जब हमें डायमंड अलर्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो हमारे सारे ग्रुप में और सारे पार्टी के लोगों में ये खुशी की लहर दौड़ गई कि डायमंड जो होता है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, तो सारे लोग जो है इसको पसंद करते ही, ये बहुत ही बड़ी कीमती चीज़ है जो डायमंड होता है, जो सब लोग भी जो है हीरे को पसंद किया करते हैं। तो उसी तरह से जो है सारे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, हमारा सिंबल इंशाल्लाह जो है डायमंड रहेगा। आपकी पार्टी समाज के लिए क्या करना चाहती है? हमारी पार्टी जो है समाज में खिदमत करने के लिए, कौम की खिदमत करने के लिए बनाई गई और इस पार्टी को जो है इसलिए लॉन्च किया गया कि बहुत सारे पार्टियां भारत के अंदर हैं, आज तक 70 साल हो गए भारत में आज़ादी मिलकर, मगर कभी कभी हमें लगता है कि हमें पूरी आज़ादी सही तौर से नहीं मिली और कहीं कहीं पर लगता है कि हमारे हुकूक हमें सही नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी चीज़ों को देखा गया और काफ़ी चीज़ों के फैक्ट जो है चेक किए गए, जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स इशू होते हैं, बहुत सारे स्कीम्स आते हैं अनाउंस के लिए, बजट में बहुत बड़े बड़े बजटें पेश करते हैं कि इतने इतने करोड़ का ये हो गया, ये 1,00,000 करोड़ का फलाना काम हुआ, ये 10,000 करोड़ का फलाना काम हुआ, जब रियल में चेक किया जाता है तो गरीबों तक वो चीज़ पहुँचती ही नहीं है और बीच में ही वो चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें अपने लोगों के हुकूक़ मारे जा रहे हैं, गरीबों के हुकूक़ मारे जा रहे हैं, औरतों के हुकूक़ मारे जा रहे हैं। तो ये पार्टी जो है ख़ास कर से एक मुद्दे को लेकर उठी है कि महिला एम्पावरमेंट पार्टी, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, वो भी इसलिए कि आज तक जितने भी पार्टीज आए हुए हैं वो महिलाओं के लिए जो है एक जो कोटा होता है देने का, वो कहते हैं कि 100 में से 2-3 भी सीट उनके लिए नहीं मिलते, जबकि हम जो है 50% से ज़्यादा जो है तकरीबन 48% 49% हम हिंदुस्तान में जो है मौजूद हैं। 135 करोड़ पीपल में से 64 करोड़ वुमेन्स हैं, तो फिर हमने सोचा कि वुमेन्स के लिए जो है एक पार्टी लॉन्च की जाएगी जिसमें हम जो है लोगों को इंसाफ दिलाएंगे और एक औरत जो होती है वो एक भाई के दर्द को पहचान सकती है, वो अपने एक बेटे के दर्द को पहचान सकती है, वो अपने घर के लोगों के, अपनी बाप के फिक्र को पहचान सकती है, सबके दर्द को वो लेकर चल सकती है। तो जब वो एक घर चला सकती है, एक स्कूल चला सकती है, एक कॉलेज चला सकती है, तो फिर वो एक सरकार भी अच्छी तरह से चला सकेगी। इसी उम्मीद के ऊपर, इसी बुनियाद के ऊपर ये पार्टी को लॉन्च किया है और उम्मीद भी है कि पूरे भारत के जो महिलाएं मेरी बात सुन रहे हैं कि वो इसमें आगे बढ़ें और हिस्सा लें और जो है हम दुनिया को बताएं कि हम इंशाल्लाह एक बहुत बेहतर भारत को बना सकते हैं। आपकी पार्टी में कैसे मेंबर बन सकते हैं? हमारी पार्टी में जो है मेंबर बनना तो बहुत ही आसान है, हमारा वेबसाइट है allindiamep.org और उसके अंदर जो भी लोग जाते हैं और वहाँ पर जो है मेंबरशिप फॉर्म है उसको सबमिट करते हैं, तो फिर चेक किया जाएगा कि उनको मेंबर बनाना है, तो उनको मेंबर बनाते हैं तो फिर उनको ऑलरेडी जो है मेंबरशिप कार्ड बाय ईमेल उनको जनरेट हो जाएगा। सुना है कि आप कर्नाटका इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपकी कैंपेन की क्या तैयारियाँ हैं और जो सबसे अच्छी पब्लिसिटी होती है वो है माउथ पब्लिसिटी, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, उसके ऊपर आपका कैसा ध्यान फोकस हो रहा है? देखिए, सबसे पहले कि कर्नाटक में 15 दिन पहले मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसके ज़रिए से मेरे ख्याल से सारे कर्नाटक में एक बहुत धूम मच गई उस कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद जो है हमें लाखों मेल और लाखों के लोगों ने कांटेक्ट किया
और हमारे जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे उन सब को सुनकर लोगों को बहुत ही खुशी हुई और काफ़ी लोग जो है हमारे पास अभी एप्लीकेशन दिए हैं कैंडिडेट के लिए भी और पार्टी में ज्वाइन करने के लिए भी, काफ़ी लोग जो है अपने ख्वाहिशात को जाहिर किए हुए हैं। तो अभी जो कैंपिंग है वो हमारी अपने तौर पर जो अपना ग्रुप जो पहले से है, क्योंकि MEP आज लॉन्च नहीं की गई है, मैं 20 साल से ख़वातीन में सोशल वर्क करती हूँ, जो ये ग्रुप है जो टोटल कर्नाटक के हर एरिया में हमारे ग्रुप्स हैं, तो वो ग्रुप तो अपने तौर पर काफ़ी दिनों पहले से ये काम वो स्टार्ट किए हुए हैं। अब एक ऊंचे तौर पर तरीके से और भी कैंपिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है, ऑलरेडी बहुत पब्लिसिटी हो रही है और उसके साथ साथ पब्लिसिटी के लिए सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और बहुत सारे चीज़ें हैं जो उसके ज़रिए से जो है हम पब्लिसिटी करेंगे। इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए जो आप कैंडिडेट्स चुनेंगे वो किस बेसिस पे आप सेलेक्ट करेंगे? जी, आपने अच्छा सवाल किया कि इलेक्शन में जो कैंडिडेट हम सेलेक्ट करेंगे और पार्टी बनाने से पहले हमारे काफ़ी कमिटीज़ इसके बारे में बैठे हैं और सोचे हैं और हम जो है हिंदुस्तान से और इंडिया से वो जो लोग जो राजनीति के तौर पर एक बदगुमानी और ये गलत फहमी का लोग शिकार बन चुके हैं, जैसे राजनीति का नाम सुनते हैं लोग डर जाते हैं सबसे पहले, हो राजनीति नहीं बहुत दूर रहने की बात है, क्योंकि ये लोगों में ये देखा गया है कि एक नेता जो है ऐसा होगा, एक नेता तो जान से भी मार सकता है, एक नेता ये कर सकता है, एक नेता वो कर सकता है, यानी नेता करके बोलेंगे तो वो बहुत ही डर जाते हैं लोग। तो हम चाहते हैं कि हमने अपनी पार्टी में ये मीटिंग में सारे सोच में इतने 10 सालों के दरमियान ये बात सोची है कि हमको राजनीति से जो लोग सियासत में आते हैं उनसे ये टैग को हटाना चाहते हैं कि लोग प्यार से उनसे मुलाकात कर सके, ऐसे कैंडिडेट हो और आधी रात में भी कोई बंदा उनकी तकलीफ़ के लिए अगर पुकारे तो वो उठकर उसके काम के लिए चले जाए, ऐसा कैंडिडेट हो। हमारे लिए कैंडिडेट हाईफाई वाला होना ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए कैंडिडेट ये नहीं कि वो बस देखने में बहुत बड़ा राव वाला है, देखने में बहुत ये है, लोग उसको देख के डर रहे हैं, वो बहुत बड़ी पब्लिक हमारे पास लाएगा, नहीं। ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो लोगों के दिल को वो जीत सके, बल्कि थोड़े भी लोग हो कम भी लोग हो, और सबसे पहले उसके अंदर इंसानों की खिदमत करने की चाहत हो सबसे पहले। तो जो पहले से ये काम करता हो हम उसके वो बैकग्राउंड को चेक करेंगे, सबसे पहले हम उसको ये नहीं चेक करेंगे कि वो कितना ताकत हो रहा है, कितने पैसे वाला है, क्या है, वो हमें लेना देना नहीं है। हम पहले कैंडिडेट में ये चेक करेंगे कि वो लोगों की खिदमत पहले से कैसे करता आ रहा है और क्या उसके बैकग्राउंड में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, कोई गंदे काम वगैरह नहीं है, तो फिर हम वो कैंडिडेट को जो है सेलेक्ट करेंगे, जिसमें हम ज़्यादा से जो है औरतों को करने का फैसला किया है, यहाँ तक कि 80% जो है हम औरतों को टिकट देने के लिए जो है सोचे हैं। तो मगर उसमें क्या है, मर्दों को भी हमारी पार्टी में जो है टिकट्स आए और हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट हमारा होगा उसका कोई कम्युनल दिमाग ना हो, जैसे कि अभी मैं आजकल देखती जाती हूँ एक चैनल पर लोग बैठ जाते हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ झगड़ के ही 1 घंटा ख़त्म कर देते हैं, जिससे ना किसी का फ़ायदा होता है, जिससे ना किसी का नुकसान। और खास कर से मैं अपनी पार्टी से ए टैग को भी हटाना चाहती हूँ, जब ये पॉलिटिकल पार्टी है और ये पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर है तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको देखना है, ना कि कोई मजहब के हिसाब से इसको देखना है। हमारे कैंडिडेट को ये बात समझ कर चलना है, जब नाम पार्टी का आता है तो वहां तुम कोई मजहब को नहीं देखोगे कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, इन्हें फलाना ऐसा है, उन्हें फलाना ऐसा है, और तुम सबके साथ जो है मोहब्बत के साथ पेश आना है। मैं यही सबक दूंगी उनको आगे भी चलकर कि सारे लोगों को हम एक नजर से जो है कि देखा जाए, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी में किसी भी इसमें चाहे मुस्लिम है तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे मुस्लिम अच्छे हैं, अगर कोई 2 लोग खराब कर देंगे तो हम ये नहीं कह सकते सारे मुसलमान खराब है, और हिंदू में भी सेम ऐसे ही है कि कुछ लोग हो सकते हैं उसमें खराब हो, तो सारी इंसानियत में बल्कि ये सारी दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हर कौम में होते हैं,
तो इसी लिए हम जो है हमारे जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे वो कभी भी इस तरह के इल्ज़ाम लोगों पे नहीं लगाएंगे कि ये कम्युनिटी के हैं तो ये सारे लोग ख़राब हैं, ये कम्युनिटी के हैं तो ये लोग, ये हम रोकेंगे इस बात को। और मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत में एक प्यार बढ़ जाए और एक मोहब्बत बढ़ जाए, हम सब मिलकर वो प्यार के गीत गाएँ जो पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है कि तुम यहाँ पर रहते हुए तुम एक भारतीय हो, तुम एक भारत के नागरिक हो। तो इसमें ये कोई भी फीलिंग्स हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और आजकल मैं जो देख रही हूँ कि चैनल्स में बैठते हैं घंटे घंटे लड़ पड़ते हैं, और जो छोटे बच्चे हमारे घरों में बैठकर इसको देख रहे हैं, ये बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें जाग जाते हैं कि अच्छा ये मुसलमान है इसको तो नहीं देखना चाहिए, हिंदू है नहीं, क्योंकि हम बचपन से जी रहे हैं। और ख़ासकर से जो है कई लोग ऐसे होते हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं, हम भारत में एक दूसरे के मददगार बन जाते हैं जब भी ज़रूरत पड़ जाती है एक दूसरे की, किसी को भी कुछ होता है तो ये अक्सर ये बातें पॉलिटिक्स में ही देखी जाती हैं। खास कर से अगर नेचुरल से आप गलियों में देखो, शहर में देखो, किसी में भी देखो, लोग कितना मिले जुले जीते हैं, किस तरह से अच्छे से जीते हैं, सब लोग प्यार से होते हैं। हमारे घर में कुछ शादी वगैरह हो गई, वो लोग आ जाते हैं, उनके घर में शादी हो गई हम लोग चले जाते हैं, उनके घर में कुछ हुआ तो हम भी उनको खैर खूबी पूछते हैं। ये जो फीलिंग्स होते हैं ये सिर्फ सियासत में होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी में ये फीलिंग्स ही नहीं रखें। मजहबी मामला है, सब वो अपने अपने जगहों पे रहे, अपने अपने जगहों पे चले, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो मामला पार्टी का है उस मामले में हम सिर्फ मानेंगे कि हमारी जात एक ही है, कि हम भारत के नागरिक हैं, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको एक ही तरह का राइट दिया है, किसी को कोई राइट नहीं दिया कि अगर कोई ग्रुप के 6 लोग हैं तो उनके लिए अलग राइट है, कोई ग्रुप के 80% है तो उनके लिए अलग राइट है, कोई ग्रुप के 10% है तो उनके लिए अलग राइट। सारे लोगों के लिए हमारे लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे एक ही है। हम सबसे पहले हमारी पार्टी MEP में हम अपने कैंडिडेट को जो है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाएंगे, उसको समझाएंगे सबसे पहले कि क्या है, हमको उसके बाउंड्रीज को नहीं करना है, उसमें रहकर हम भारत की खिदमत अच्छी तरह से करना है, और कंटेस्ट भी जो है पीस से कंटेस्ट करना है, कि झगड़े करना, लड़ाई करना, वहां पर धरने बैठ गए, यहां पर धरने बैठ गए, उसको गाली दिए, इसको गाली दिए, ये चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं सारे कैंडिडेट को यही कहूंगी कि पीस से हम कंटेस्ट करेंगे, अगर पब्लिक हमें सेलेक्ट कर ली तो अलग बात है कि हम उनकी खिदमत करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे और ख़ास तरीके से करेंगे। भाई कुछ अपने कैंडिडेट के लिए हमारे पार्टी के जो ग्रुप है वो एक टर्म्स कंडीशन बनाएंगे, उसके ऊपर वो उनको चलना होगा और उनको बताना होगा कि उनका क्या टैलेंट है और उनका क्या टेंशन है कि वो भारत में पब्लिक की खिदमत किस तरह से करेंगे। वो टर्म्स पे अग्री हो जाएंगे तो उनको सेलेक्ट किया जाएगा। आपकी पार्टी कितने जगहों पर कॉन्टेस्ट करना चाहेगी? कहाँ? कर्नाटक में। हाँ जी, अभी हमारा पार्टी का जो शुरुआत है तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले कर्नाटक में इलेक्शन आ रहे हैं, तो हमारा तो इरादा है कि टोटल इंडिया में जितने भी स्टेट है हम कंटेस्ट करेंगे आइंदा 2019 में, मगर अब पहला हमारा कर्नाटक में है। तो इरादा तो है कि अल्हम्दुलिल्लाह 224 सीट्स है वहाँ पर, तो सारे हम कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। उसमें अब आखिर में देखा जाएगा कि कौन लोग कहाँ पे हमको उस काबिल के तैयार रहेंगे, कौन लोग उस काबिल के तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले जो कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे वो कैंडिडेट जो है उस काबिल के जो है होना चाहिए, जिनके अंदर सिर्फ एक पाकीज़ा जहन हो, जो अच्छा जहन हो, जो वहाँ के लोगों की खिदमत करने के लिए वो तैयार रहे और वो अपने लोगों की खिदमत को जो है वो एक अपनी हैबिट बना ले। तो ऐसे लोग हमें मिल जाए तो हम इंशाल्लाह पूरे टोटल सीट्स पे जो हम कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं। कर्नाटका में अगर आपकी पार्टी जीत जाती है तो किस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे और खास करके औरतों के लिए क्या बेनिफिट्स आप वहां पे प्रोवाइड करेंगे? और वैसे तो इंशाल्लाह हो सकता है अल्लाह के तरफ से अगर पार्टी जीत गई, अगर वहां पर सरकार MEP की अगर आ गई, तो सरकार तो सारी पब्लिक की अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत के लिए तो होगी, सबसे पहले हमारा वही मकसद है, मगर हम काफ़ी तब्दीलियां और काफ़ी चेंजेस लाएंगे, क्योंकि कुछ सर्वे किया हमने कर्नाटक में तो यहाँ तक के जो बच्चे विलेजेस में स्कूल्स को जाके पढ़ते हैं तो उन बच्चों को जो लड़कियां हैं उनके लिए बाथरूम्स तक नहीं हैं और उनको पीने के पानी तक नहीं है, और काफ़ी जगह पर हमने देखा है कि वहाँ पर टीचर्स तक भी पढ़ाने के लिए नहीं जाते।
अब जो बच्चियां हैं प्राइवेट में पढ़ लेते हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो अच्छे अच्छे स्कूल्स में डालते हैं, तो वो कितने होंगे? 100 में से 5% होंगे। मगर जो 95% जो हमारा फ्यूचर, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी सारी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। तो सबसे पहले हमारी सरकार अगर बनेगी तो सबसे पहले उन बच्चों की पढ़ाई के लिए ऐसा हम सोच रहे हैं कि हम टोटल स्कूल जो गवर्नमेंट रन करती है उसको यूनिफॉर्मिटी में लाएंगे, एक बहुत अच्छे लेवल में लाएंगे, जो हर स्कूल में जाए तो लगे कि ये स्कूल है, हर स्कूल में जाए तो लगे कि ये सारे स्कूल जो है कि एक तरह के हैं। तो सबसे पहले हम एजुकेशन से हमारा काम स्टार्ट करेंगे, ताकि वही हमारी रोशनी है, वही हमारा फ्यूचर है। ये बच्चे ही आगे चलकर जो है हमारे समाज को चलाने वाले हैं, ये बच्चे ही चलकर भारत की जो है एक रोशनी बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एजुकेशनल पे फोकस करेंगे, उसके साथ साथ जो वुमेन्स के इशू हैं उसके ऊपर भी फोकस करेंगे हम जो है, उसके बाद किसानों के लिए भी फोकस करेंगे। जब बजट की तरफ देखा जाता है, अगर बजट सही गरीबों पर खर्च किया जाएगा तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, काफ़ी गरीबों को जो है ये कर सकते हैं। और हम मैनिफेस्टो में अपने तमाम चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और हमको जैसे मिसाली तौर पे अभी एक ऑटो ड्राइवर है, वो एक ऑटो को लेने के लिए जाके लोन लेता है बैंक में, और उसका वो लोन में उसका वो जो इंटरेस्ट होता है वो भरता भरता वो बूढ़ा हो जाता है, मगर उसका असल जो होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। एक बंदा टैक्सी खरीदता है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे छोटे छोटे लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन भी जो है देने की जो है एक मुहैया करेंगे, ताकि उनके लिए रोज़ी आसान हो जाए, वो असल को जल्दी से जो है अदा कर दे, ताकि वो इंटरेस्ट को करते करते जो है इस तरह से उनका ये ना हो। और काफ़ी बजट प्लान जो है हम कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से गरीबों के लिए बहुत ही आसानी होगी, और ख़ासकर से औरतों के लिए, महिलाओं के लिए हम समाज में जो है ये चीज़ लाना चाहते हैं कि काफ़ी महिलाएं जो है पुलिस स्टेशन को जाना और उनके लिए कंप्लेंट करना, कंप्लेंट करने के लिए भी काफ़ी औरतों के ऊपर जुल्म होता है, मगर वो पुलिस स्टेशन को जाने के लिए डरती है कि लोग देख लेंगे तो मेरी इज्जत क्या होगी, वहाँ मैं स्टेशन में मुझे देख लेंगे तो फिर मेरे ससुराल क्या कहेंगे, वहाँ स्टेशन में मुझे कोई देख लेगा तो मेरी सहेली क्या कहेगी। तो फिर हम इंटरनेट ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं, ऐसा एक साइट, ऐसा एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं कि जो भी औरत के ऊपर जो जुल्म होता है वो जो है बैठी बैठी वहां पर वो कंप्लेंट अपडेट करेगी, तो उसके घर को जाकर जो है उसको पूछा जाएगा कि उसके ऊपर क्या हुआ है, उसके एक बार चेकअप तो जरूर होगा कि क्या हुआ है, किस तरफ से हुआ है, क्या किस तरह से हुआ है, ताकि उसकी इज्जत भी सेफ हो जाए और उसको इंसाफ भी मिल जाए। फिर उसके बाद काफी औरतें हैं जिनको जो है आज कोर्ट को जाने का टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट में जब एक ये डालते हैं तो एक केस डालते हैं तो तकरीबन 3 साल 4 साल एक एक वादे के लिए 5-6 महीने भी लग जाते हैं। तो कभी कभी औरतें थक जाती हैं कि अभी हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर भी जाते हैं तो तरह तरह के क्वेश्चन, जिसके पास पैसे ज़्यादा हो वो लोग जो है अच्छे अच्छे लायर्स को रखें। तो फिर हम जो है सोच रहे हैं कि ख़ास कर से वुमेन्स के लिए जो शाम के वक्त के जो कोर्ट होते हैं 2-3 घंटों के लिए, ख़ास कर से ऐसा जो है इम्प्रूवमेंट विलेजेस के अंदर भी हो, जो ताकि उनको वहाँ का वहाँ जो है बैठ कर जो है कि फैसले हो जाए, और उनके लिए बड़े आसानी के तरीके जो है लेकर आने के लिए, और वुमेन्स पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेवलपमेंट करना और उनके सपोर्टिंग करने के लिए। तो ये चाहते हैं कि हम के यहाँ तक हम सोच रहे हैं कि एक बच्ची जब स्कूल को जाती है तो 6 साल की बच्ची भी जाती है, उसकी माँ भी आज घर में घबराती है कि मेरी 6 साल की बच्ची क्या सही सलामत वापस लौटेगी, पता नहीं किसी ड्राइवर से उसको कुछ हो जाए या स्कूल के टीचर से, क्योंकि ऐसे वाकयात काफ़ी आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम इसमें काफ़ी टाइट सिक्योरिटी कर दें, काफ़ी ऐसे सिस्टम लेके आए कि इंसान ऐसे चीज़ों को सोचने के लिए मरने से भी ज्यादा सोचने लग जाए कि मौत भी बेहतर है ऐसे हरकत करने से, ये उसके अंदर ये खौफ पैदा हो जाए। हम काफी मैनिफेस्टो में भी वो चीजें लेकर आ रहे हैं, अभी मैं कोई आंसर में ये सब नहीं बता सकती, सारी चीजें जो है हम इंशाल्लाह डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 जो है एजुकेशनल को हम डेवलप करेंगे, दूसरा उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे कि जितने लोग विलेजेस में हैं, दूसरे औरतें भी हैं या मर्दे, जो गरीब लोग हैं उनकी इकोनॉमिक को हम कैसे ग्रोथ करना, उनको बिजनेस का प्लेटफॉर्म कैसे देना, और उनको बिजनेसेस के लिए इंटरेस्ट फ्री छोटे छोटे लोन कैसे देना ताकि उन तक पहुंचे और वो चीज़ ये करे। और वो अब हम एक सिस्टम लाएंगे कि अब हम ये नहीं करेंगे कि हमने ये को दे दिया कि तुम जाओ सबको पैसा बांटो, अब वो बांटे क्या नहीं सरकार को तो पता नहीं चलता, सरकार ने तो इशू कर दिया, चेक भी इशू कर दिया, पैसे भी इशू कर दिया, सब कुछ हो गया, मगर वो लोगों तक क्या पहुंचते हैं?
या नहीं। तो फिर हम सरकार में, अगर हमारी सरकार आ गई तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि बंदे को अगर लोन दिया जाता है तो सीधा डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएगा, किसी और को जो है बजट मुकर्रर करके उसको दे दिए, उस पर डिपेंड नहीं रहेंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, डिपार्टमेंट डायरेक्ट से डायरेक्ट जो है वो सीधा से सीधा, अगर किसी को कार का लोन देना है, किसी को ऑटो का लोन देना है, किसी किसान को लोन देना है, किसी को कुछ गरीब को लोन देना है, कुछ भी एक स्कीम इश्यू करे, सीधा कस्टमर के उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, ये सिस्टम करके, ताकि उनको जो मिलने वाला है वो चीज़ उन तक डायरेक्ट मिल जाए गरीबों को। और काफ़ी बूढ़ियों को पेंशन देती है, पेंशन आती है सरकार के अंदर, तो वो पेंशन आती है 200 रुपये, 300 रुपये, 400, उसके लिए ऑटो लगा कर वो जाएँ, उस पर लाइन में खड़े रहें, एक दिन नहीं मिली, दूसरे दिन नहीं मिली, तीसरे दिन नहीं मिली, तो वो सब छोड़ कर वो घर बैठे बैठे रहें, उनको अकाउंट्स में वो सुविधाएँ जो है मौजूद हो जाए, सीधा उनके हाथ में मिल जाए, बाद में उनकी मर्जी है उसको क्या करना। ऐसे सारे सहूलियात जो है मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है कि अपने भारत को एक खुशनुमा भारत, एक मोहब्बत करने वाला भारत, और एक दूसरे को देखेंगे तो हम ये कैस्ट फीलिंग जो है दिल से निकाल कर जो है सबके साथ मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने वाला भारत जो है बनाने का एक प्लान है बस। इतने मर्दों के डोमिनेशन के बीच आप एक ऐसी पार्टी लेके आ रही हैं जिसका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन महिलाओं पर है, तो कितनी गर्व की बात है ये आपके लिए, और इतनी गर्व की बात होनी चाहिए हमारे देश के लिए। डोमिनेशन तो जो है पहले से भी है, और मैं ये कहती हूँ कि हमारा जो ग्रुप है 20 साल से काम कर रहा है, पार्टी तो हमारे लिए हो सकता है ये साल की हो, बल्कि समझ जाइए कि वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए 20 साल से मैं काम कर रही हूँ, और मेरे ग्रुप में लाखों के ख्वातीन हैं जो काम करती हैं, और इंडिया के कोई स्टेट ऐसा नहीं है जिसमें हमारे ख्वातीन, हमारे महिलाएं वहां पर ना हो, और इंडिया के हर जगह पर जो है हमारे महिलाएं हैं जो काम कर रहे हैं। और ये डोमिनेशन पहले से भी है कि बहुत सारे जगह पर कुछ मर्दे होते हैं जो वो औरतों को तोड़ना चाहते हैं, वो गिराना चाहते हैं, और वो गिरा कर बात करना चाहते हैं, मगर हमने उनके साथ ऐसी फाइट की है, इस तरह से हमने ये किया है कि जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं उनके सारे सोचें अब ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि औरतें हर काम कर सकती हैं, अब वो समझ चुके हैं। ये पहला दिन था, पहला ज़माना था कि वो ये समझते थे कि औरत कुछ नहीं कर पाएगी, औरत बिजनेस नहीं कर पाएगी, औरत फलां नहीं कर पाएगी, और औरत फलां काम नहीं कर पाएगी। अब वो ख्यालात निकलते चले गए हैं, अब औरत बिजनेस में भी टॉप है, अब औरतें सियासत में भी आ रही हैं, अब औरतें हर वो मैदान में जो है औरतें आगे आ रहे हैं, तो वो बता ही रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ये है, हमारा जो ग्रुप है उसमें हमें सपोर्ट करने वाले मर्दें भी 95%, जैसे समझ जाइए कि हमारे ग्रुप में जो महिलाएं, अगर 100 महिलाएं हैं तो उसमें 95% के जिनके हस्बैंड होते हैं, भाई होते हैं, बाप होते हैं, वो उनके फुल्ली सपोर्ट करते हैं। एक जो 5% होते हैं वो उनको डैमेज करना चाहते हैं, वो गिराना चाहते हैं, और उसके बाद जो है वो, तो उन लोगों के लिए तो हम जो है लीगल वे में जाके उन मसलों को हल करेंगे। अभी हाल में भी जब ये मामला आया, जब हमारी पार्टी लॉन्च हुई, तो कई कई जगह से कॉल्स आए, फोन आए कि नहीं तुम औरतें कैसे पूरा हैंडल कर पाओगे, कैसे करोगे, क्या करोगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने जो है औरतों में सारे सलाहियतें दे रखी है, और अल्लाह ने मर्दों में भी और औरतों दोनों में भी सेम सलाहियतें दी हैं, औरत में और ज्यादा सब्र दिया है, किसी भी काम को करने के लिए जब वो ठान लेती है तो वो सब्र से जो है पूरा भी काम कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी के लिए जो है मर्दों पे औरतों पे कुछ अलग रहेगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडिया के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात होगी कि मैं चाहती हूँ कि हमारी औरतें, हमारी महिलाएँ आगे आएँ, और वो जो है चीफ मिनिस्टर्स बने, वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो मिनिस्टर्स बने, और वो बैठे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो अपने फैसले करने लगे, और वो अपने चीज़ों को जो है समझने लगे, खास कर से क्योंकि उनको दूर रखा गया है इन चीजों से कि ये तुम्हारा काम नहीं है, बस घर में खाना पका लो ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम जो है हमारे नीचे ही रहना है, ये तुम्हारा काम है, ऐसा नहीं है। तो हम बराबरी से काम करना है, मगर काम परफेक्ट और हक पे सही से करना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि औरत आगे बढ़ जाना चाहिए, तो जैसा वो लोग सोचते हैं कि औरत हर बुरे काम में चले जाए, हर शराब पीने में चले जाए, फलां चले, वो अपने ट्रेडिशनल को मेंटेन करते हुए वो अपने एम्पावर में रहे, अपने सेल्फ पे रहे, और वो अपने घर वालों की इज्जत का भी ख्याल करे, अपने अपने माशरे में भी जो है उसको जीने की जो इज्जत है उसको भी ना गुमाएं, उसको जो है वो साथ लेते हुए जो है पूरा एम्पावरमेंट में
काम कर सकती है। अब हमारी पार्टी का वो मकसद नहीं है कि महिलाओं को एम्पावरमेंट में लाना है, तो बाजी जगह लोग समझ जाते हैं कि महिलाएं सिर्फ छोटे कपड़े पहन लेंगे तो जो है एम्पावरमेंट, ये नहीं है। एम्पावरमेंट का मतलब है कि वो सेल्फ जीना सीखे, वो बिजनेस करना सीखे, वो अपनी हुनर करें, वो सुस्त ना रहे घर में कि खाली टीवी सीरियल देख लिए और अपनी जिंदगी गुजार लिए, खाना खा लिए अपनी जिंदगी गुजार लिए, कुछ तो भी एक्टिविटीज करें। अगर ये एक औरत अगर 100 औरतों की भी भलाई करती है तो देश बहुत जल्द जो है डेवलप हो जाएगा, देश में बहुत डेवलपमेंट आ जाएगी। ये मेरी सोच है और मैं इसीलिए महिलाओं को भी ये करती हूँ, वरना हमारी पार्टी में जो है सबको भी, महिलाओं को भी और मुसलमानों को भी, हिंदूज को भी, क्रिश्चियंस को, जो भी एक भारतीय है उसको हमारे पार्टी में ज्वाइन करने का पूरा। वाह मैडम, बहुत ही अच्छे और बहुत ही पॉजिटिव ख्याल है आपके, और इसी तरह आपकी पार्टी आगे काम करते रहे। अगर रिजल्ट्स के बाद कुछ ऐसा माहौल बने जिसमें आपको कहीं पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़े, तो आप कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहोगे मैडम? ये सवाल तो काफी दिनों से सब लोग भी पूछ रहे थे मुझे। तो देखिए, अभी हमारी पार्टी तो पहली बात की नहीं है, अभी जा रही है। अब इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि हमारे सीट्स क्या होंगे, कैसे होंगे, किस तरह के होंगे। भले हम लोग ज्यादा भी कामयाब हो जाएं और या कम भी, तो हमको किसी कोई पार्टी से खास एतराजात नहीं है। हमको जहाँ की जो सरकार होगी, वो सरकार जो हमारे टर्म्स कंडीशन के लिए हमसे राज़ी हो जाए और हमारे महिलाओं की मदद करने के लिए, हमारे गरीबों की मदद करने के लिए, हमारे जो भी हमारे जो एम्स हैं उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाए, तो हम वो पार्टी को साथ जुड़ने में तैयार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको फलां पार्टी करके कर लें। जैसे कि मिसाली तौर पे कर्नाटक में एक सरकार बनती है तो तमिलनाडु में एक सरकार बन जाती है तो वहाँ पर भी हमारी पार्टी होगी, आंध्रा में एक सरकार बन जाती है तो वहाँ पर भी हमारी पार्टी होगी, और एक स्टेट में जाएंगे वहाँ भी एक सरकार बनती है तो वहाँ भी हमारी पार्टी होगी। पार्टियाँ डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, मगर वो सरकार जो सरकार वहाँ पर है, वो सरकार जो है हमारे महिलाओं के मुद्दे का ख्याल रखते हुए वो हमें सपोर्ट करे, वो हमें काम करे, तो जो है बिल्कुल से बिल्कुल हम जो है वो पार्टी के साथ रहेंगे। मैडम, सुना है कल आप पूरे इंडिया के महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हुए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप हमारे प्रेसिडेंट साहब श्री रामनाथ कोविंद साहब से मिले थे, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसी थी आपकी बातचीत उनके साथ और क्या आपने इतनी देर बात की उनके साथ, क्या डिस्कशन किया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खुशी की बात थी कि उन्होंने जो है मुझे अपॉइंटमेंट दिया मिलने के लिए, और मैंने सारे देश के महिलाओं के लिए और एक मेमोरेंडम उनको पेश किया कि जो 33% बिल जो है 18 ईयर्स से जो हमारी पेंडिंग है उसके पास करने में वो हमारी मदद करें। और मुझे जाने से पहले तो ऐसे लग रहा था कि क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, मगर बहुत ही अच्छा लगा कि वो जैसे मैं अंदर गई तो वो उठ कर ऐसा खड़े हो गए और बोले कि वेलकम नोहिरा शेख, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि आप औरतों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, मैंने देखा है आप महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करती है, तो कहा कि उन्होंने कि आप बहुत अच्छा काम कर रही है, हम महिलाओं के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे और आपको जो है ये काम को किसी तरह से भी नहीं रुकाना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए और हम आपके साथ में हैं, उन्होंने ये कहा। और फिर मैं मेमोरेंडम में अपने जो महिलाओं के लिए जो जो ज़रूरियात है हिंदुस्तान में, तो मैंने उनके सामने पेश किया था वो सब चीज़ें, और बड़े ध्यान से और गौर से उन्होंने मेरी सारी बातों को सुने और सुनकर जो है उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किए और कहा कि हम आपके साथ हैं और हम आपको जो है पूरा सपोर्ट करेंगे, आप महिलाओं के लिए काम करती रहें। ऐसी मीटिंग्स और ऐसी मुलाकात के बाद अपना विश्वास और जो हिम्मत है वो दुगनी हो जाती है ना? बहुत बहुत दुगनी हो गई। और वो जब मैंने उनसे मुलाकात किया तो वो इतना अच्छा मुस्कुरा के इतना अच्छे तरीके से मुझे बात किए, और वाकई जो पूरे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं तो जाहिर से बात है कि दिल में थोड़ा मिलने से पहले तो ये होता है कि अभी मतलब क्या बोलेंगे क्या। और मैंने मेमोरेंडम भी ख़वातीन के लिए इतना लंबा लेके गया था महिलाओं के लिए, तो जाहिर से बात है, मगर वो इतना अप्रिशिएट किए और उसको पूरा गौर से ध्यान से सुने और पढ़े
सब कुछ करें। और मैं जाने से पहले ही वो मुझे कहने लगे कि आप महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करती है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मैं तुमको पूरा हमारा पूरा सपोर्ट जो है तुम्हारे साथ रहेगा, तुम काम करती रहो महिलाओं के लिए। वो बहुत खुश हो गए, बोले खवातीन में महिलाओं के लिए काम करना बहुत ही ज़रूरी है, ये देश की वक्त की ज़रूरत है। तो मैंने कहा फिर आप सपोर्ट करिए और हमारा जो 33% जो बिल है उसको आप पास करिए और उसके पास करने में आप मदद करिए। तो वो खुश हो गए और कहे कि मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। वाओ, थैंक यू सो मच मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस ये जो है आपके लिए बहुत ही सूट होता है पूरी पार्टी के लिए, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। पहले आपकी पार्टी को, आपको दिल से बेस्ट ऑफ लक, और मुझे पूरा यकीन है कि डेफिनेटली आप ही की पार्टी इस समय इलेक्शन जीत पाएगी।